एक फ्लैट में दो बहनें रहा करती थी, रिमी और सोना। रिमी, क्या तुम थोड़ा जल्दी रेडी हो सकती हो? मुझे भी ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है मुझे। बस हो ही गया है, आती हूँ। तुम खूबसूरत हो, मैं नहीं। मुझे तो सजना पड़ता है, तुम हर बात में यही क्यों बोलती हो? हम दोनों बहनें हैं और चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। पर लोग फेस ही देखते हैं। अब जा रेडी हो, अब लेट नहीं हो रहा है। रीमा और सोना दोनों बहनें थी। सोना बहुत खूबसूरत और दयालु ईमानदार थी। रिमी बहुत घमंडी और झगड़ीलू रहती है। दोनों साथ में ऑफिस में काम करने जाती हैं। हाय सोना, कैसी हो? तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। रिमी, क्या आज तुम मेरा एक काम कर दोगी? मुझे आज कहीं जाना है, तो क्या तुम ऑफिस में मेरे हिस्से का काम कर दोगी प्लीज? नहीं, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? जिसकी तारीफ की है वही करेगी, तारीफ उसकी और काम मुझसे। कोई नहीं, इस बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो और आराम से जाओ। देखा, चेहरा सुंदर होने से नहीं रिमी, उसका दिल भी साफ होना चाहिए। सोना सुंदर होने के साथ साथ साफ दिल वाली भी है। हाँ तो ठीक है, मेरा दिल साफ नहीं है, जाओ उसी से अपना काम करवाओ। न कहते हुए गुस्से में चीखती चिल्लाती चली जाती। बड़े आए मुझसे काम करवाने वाले। बड़ी सोना, रिमी, तुम दोनों आ गई। चलो बाबा, अब जल्दी जल्दी काम करो, वरना मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर मांगते रहना काम, हैं? घूमती रह जाओगी लेकिन कोई काम नहीं देगा तुम लोगों को। सोना और रिमी के सेठ बहुत कंजूस था, काम बहुत कराता था दिन रात। जी सेठ, चुपचाप काम करने लगती हैं। सेठ जी, हम काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे आप और हम सुनेंगे। बड़ी रिमी, ठीक से बात करो, वरना। वरना क्या, निकाल देगा ना मुझे? हाँ तो निकाल दे, तुझ जैसे सेठ को तो मार देना चाहिए। रिमी चुप हो जा, कुछ भी मत बोल, वो हमारी सर है, तू चल यहाँ से। सर सर माफ करना इसको, इसका मूड खराब है आज। सुना वहाँ से रिमी को लेकर चली जाती है। इस खड़ूस के साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा। सभी चले जाते हैं, सेठ अपना दुकान बंद करता है, तभी लाइट चली जाती है। कुछ देर के बाद सेठ को चीखने की आवाज़ आती है। अगले सुबह सब लोग जाते हैं तो सेठ मरा हुआ, घेंट टेढ़ा हुआ पड़ा रहता है। तभी उसका बेटा आता है और देखता है, पूछताछ करता है, तो कुछ उसे मालूम चलता है। फिर तुम कल मेरे पापा से झगड़ी थी, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं, मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सेठ का बेटा बहुत पूछताछ करने के बाद रिमी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ दिन के बाद फिर वो सेठ के लड़का पीछा करता है। लगता है सोना और रिमी निकल गई हैं, मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। वैसे भी पिताजी की मौत के बाद कितने केस हो गए हैं ऐसे। रिमी और सोना गए जाने के बाद सेठ के बेटा जाकर उन लोगों को घर छुप जाता है। फिर दोनों जाती हैं, फिर सोना आती है। कोई मिल जाए, ये खूबसूरत होने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। सोना बाहर निकलती है, एक आदमी को देखते ही सोना चुड़ैल बन के आकाश में उड़ने लगती है। तभी एक आदमी को मार डालती है। तभी सेठ का बेटा ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे ये क्या देख लिया, ये तो इंसान ही नहीं है, ये बस खूबसूरत होने के लिए लोगों को मारती है। पर मैं इसका कुछ कर भी तो नहीं सकता, क्या मैं रिमी की हेल्प ले सकता हूँ? पर अगर वो भी यही निकली तो, और उसने मुझे ही परलोक भेज दिया तो कैसे पता करूँ कि रिमी भी यही है या नहीं? पर कैसे भी करके पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगली सुबह, आज तो बहुत काम है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सेठ जी खड़ूस थे, पर उनका लड़का तो अच्छा और दयालु लगता है, और कितना हैंडसम भी है। हाँ तू ये तो सच कह रही है, वो हैंडसम तो है, मेरा तो मन करता है कि उससे शादी कर लूँ। हाँ तो जा बोल दे, क्योंकि तू भी तो सुंदर है, वो मना नहीं करेगा। रिमी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं? हाँ जरूर हम जा सकते हैं, ये काम मैं बाद में कर दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बस अच्छे से पेश आओ और लोग तुम्हें भी पसंद करना शुरू कर देंगे। बता। रिमी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सेठ के बेटे सुनील से शादी कर लेती है। फिर वो दोनों खुश रहने लगते हैं। जैसे सेठ के बेटे को पता चला, रिमी को कैद किया और सोने को आज़ाद किया, और दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगता है। फिर सोना अपने काम के
तलाश में चली जाती है। फिर इतने महीने बीत गए, पता नहीं सोना कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोना के दिल में मेरे लिए प्यार था भी कि नहीं। सुनील वहाँ सब कुछ छोड़कर अपना दूसरा शहर में आकर शिफ्ट हो जाता है। बहुत परेशानी वहाँ रहता है, यहाँ अपना आकर नया जिंदगी शुरू करना चाहता है। सोना के जाने के बाद कितना सूना सूना लग रहा है। अच्छा ही हुआ कि मैं वो शहर छोड़कर यहाँ आ गया। वैसे भी अब वहाँ कुछ नहीं रहा, ना ही पापा, ना ही रिमी और ना ही सोना। यहाँ से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूँगा। इतना बोलकर सुनील अपने नए दुकान पर चला जाता है। कुछ दिन के बाद, सर इतना सामान बिक गया है, इसका हिसाब करके बताता हूँ। ठीक है, हिसाब करके शॉप बंद कर देना, मैं अब घर निकलता हूँ, तुम भी काम करके चले जाना। ठीक है सर, बस ये हिसाब कर लूँ फिर निकल जाऊँगा। मन कर रहा है कि एक बार उसी शहर में वापस जाकर सबसे मिल लूँ, और वैसे भी रिमी के जाने के बाद उस जगह सब ठीक होगा। उसको अंदाजा नहीं उधर क्या चल रहा था, इधर जिसे रिमी को बोतल में कैद किया गया था एक आदमी। ये क्या, इस बोतल में क्या चमक रहा है? लग रहा है कि मिट्टी में थी, ये बारिश की वजह से ऊपर आ गई है। इसको उठा लेता हूँ, इतना चमक रहा है कुछ अच्छा ही होगा। घर जाकर चुपचाप खोलता हूँ, क्या पता खजाना हो जिससे मैं माला माल हो जाऊं। तू बस एक बार मुझे खोल तो सही, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या अच्छी चीज हूँ। ये लोग घर भी आ गया, चल अंदर जाकर अपनी जानू को दिखाता हूँ। अरे सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला है। अरे कहाँ हो, ऐसा क्या लाए हो तुम कि सर घर पर उठा लिया है? क्या कीमती चीज है बोलो। देख इस बोतल में कितनी चमकती चीज है, इसको अभी तोड़कर निकाल लेते हैं। हाँ चमक तो बहुत रही है, चमक की वजह से दिख भी नहीं रहा है कि अंदर क्या है। दोनों बोतल तोड़ देते हैं, रिमी हंसते हुए बाहर आ जाती है। वाह मैं आजाद हो गई, इतनी खुशी, मजा आ गया, अब मुझसे सुनील और सोना को कौन बचाएगा। ये क्या हुआ, तुम कौन हो, क्या तुम जिन हो जो अब मेरी गुलाम हो? तो सुनो, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। हाँ फिर तो मुझे भी नौकर चाकर चाहिए और गहने साड़ी और बहुत कुछ। चुप करो तुम दोनों, मैं कोई जिन नहीं चुड़ैल हूँ, और तुम दोनों की मौत भी। इतना एहसान किया है तुम दोनों ने मुझ पर, मैं क्या करूँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ ना, और अपनी ताकत के लिए मुझे तुम लोगों को तो मारना ही होगा। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ, अगर तुम लालच की वजह से इसे ना लाते और मैं भी लालची ना बनकर तुम्हें इसे तोड़ने को ना बोलती तो कितना अच्छा होता। हाँ लालच तो बुरी चीज है ही। अब तुम दोनों की बारी है, सुनील और सोना। सोना इधर अकेली रहती है। ये क्या हुआ, लगता है रिमी को किसी ने आजाद कर दिया। अब क्या होगा, मैं उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही हूँ। लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है, मुझे सुनील को बचाना होगा वरना वो उसे मार देगी। उसकी शॉप का नंबर क्या है, एक बार कॉल करती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, और रिमी के बारे में भी बोल दूंगी। लग गया। हेलो, क्या मैं शॉप के मालिक सुनील से बात कर सकती हूँ? नहीं आप उनसे बात नहीं कर सकती, आपको क्या काम है, आप मुझे बोल दें, मैं उनके आने पर उनको बता दूंगा। नहीं कोई बात नहीं है, बस आप उनको बोल दीजिएगा कि सोना का फोन है। वैसे वो कब तक आएंगे? वो 3 दिन में आ जाएंगे, वो अपने पुराने शहर गए हैं। क्या पुराने शहर, और वो 3 दिन में आएंगे, पर मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, क्या आप उनका नंबर दे सकते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ। इतना सुनते ही रिमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो, वैसे ही मैं एक चीज झेल रही हूँ, उसे खत्म करने के लिए जो मुझसे प्यार करे वो आदमी चाहिए, वरना बुरा होता ही रहेगा मेरे साथ। अरे मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर जो तुम कह रही हो वो मुझे भी पता है, इसीलिए मैंने ये मजाक किया ताकि मैं तुमसे पूछ पाऊँ कि हम सोना को कैसे खत्म कर सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, पर उसे मारा नहीं जा सकता है। हाँ पर हम उसे कैद कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो भी किस प्रकार होगा? उसके पास जाकर तुम्हें उससे बात करते करते उसके हाथ की रिंग लेनी होगी और उसे एक बोतल में डाल देना होगा और वो भी उस रिंग के साथ कैद हो जाएगी। रिमी और सेठ के बेटे ने सोना को कैद कर लिया। चलो अब जब सब ठीक हो गया है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ अब हम साथ रहेंगे। फिर दोनों शादी रचा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर लोग मरने लगते हैं। अरे रोहन तुम कब आए? वो अभी कुछ दिन पहले ही मेरा आना हुआ है। रिमी इधर आओ, देखो रोहन आया है। रोहन रिमी को देखकर अजीब चेहरा बनाता है और कुछ बोलता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप लोग बैठो बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कहकर रिमी किचन में चली जाती है। ये कैसी लड़की है, बदसूरत सी। रोहन ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी है। और हाँ खबरदार, जो आइंदा मेरी बीवी के बारे में ऐसा कहा तो। रोहन अपनी बेटी सहन नहीं करता है और चला जाता है। तभी रोहन उसे टकराती है। आप कौन हो और क्या चाहिए आपको? ऐसे रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी हो गई? तेरी मौत चाहिए। सुना उसे मारकर मुंडी टेढ़ी करती है, हाथ टेढ़ी करती है, गोड़ टेढ़ी करती है। इधर सेठ के बेटे को मालूम चलता है, फिर वो निकल कर बाहर जाता है। तभी सोना एक लड़की को मार रही होती है, फिर मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये कहाँ जा रही है, इसके पीछे जाता हूँ। अरे ये तो मेरा घर है। सेठ के बच्चा उसे छुप कर देख रहा होता है। फिर सोना रिमी के रूप ले लेती है। सोना का रूप लेकर किसी को भी वश में किया जा सकता है। चलो सोने जाती हूँ, वो भी आते होंगे। हे भगवान, ये क्या किया मैंने सोना के साथ? उसे मुझे उस कैद से निकालना होगा और रिमी को मारना होगा। मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी? सेठ के बेटा वहाँ आकर बोतल तोड़कर सोना को आजाद कर देता है। सॉरी, मुझे नहीं पता लगा कि कौन गलत है, पर अब असलियत आ गई है सामने। पर समस्या ये है कि अब उससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? बहुत ही ताकतवर बनने के लिए वो अपनी 6 महीने की शादी में अपने पति की बलि देगी, पर उसकी एक जान है जिसको अगर खत्म कर दे तो वो भी खत्म हो जाएगी। उसके पास शीशे का एक क्रिस्टल है। हाँ हाँ है उसके पास, और वो उसे लॉकर में रखती है। मैं उसको निकाल कर ला सकता हूँ। ठीक है, कल चांद के सामने उसे तोड़ते ही वो मर जाए। घर जाकर उस क्रिस्टल को निकाल लेता है और कुछ देर के बाद वो छत पर जाता है, चांद की इंतजार करता है। फिर उसकी पत्नी उसे पीछे पीछे जाती है, तभी वहाँ उसको जैसे मारती तहाँ सोना आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, वो मेरा है, वापस दो मुझे। नहीं, तुम जाकर उसे तोड़ दो, मैं इसको रोकती हूँ। दोनों आपस में लड़ती है, तभी सेठ के बेटा पिस्टल फोड़ देता है। रिमी वहाँ मर जाती है। और धन्यवाद सोना, आज तुम्हारी मदद से मैं अपने पिता के कातिल और सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का बदला ले पाया हूँ। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है कि अब सब ठीक हो गया है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर नया जिंदगी दोनों अपना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मैं उनका नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको देती हूँ, ये आप उनको देना प्लीज, और मुझे कॉल करने को बोल देना। ओके। फिर मैनेजर सुनील को कॉल करता। सर, आपके लिए किसी सोना का कॉल आया था, वो आपको ढूंढ रही थी। क्या तुमने सोना कहा? सोना का फोन आया था? क्या कहा उसने? अपना नंबर दिया है और बोला है कि आप उनसे बात करें। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। पता नहीं सुनील को मेरे कॉल के बारे में बोला गया है या। तभी फोन बजता है। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? सुनील तुम कहाँ हो? अगर रास्ते में हो तो जल्दी आकर मुझे मिलो, बस उस शहर मत जाओ। सुनील आपकी जान को खतरा है क्योंकि रिमी आजाद हो गई है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, और ज्यादा ताकतवर भी। हम मिलकर बात करते हैं कॉफी शॉप में। ओके ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। इधर रिमी चुड़ैल पुराने शॉप पे सुनील के जाती है। ये सुनील की शॉप तो बंद है, ये कहाँ गया यहाँ से? उस आदमी से पूछती हो। सुनो भाई, ये शॉप क्यों बंद है? ये अब दूसरे शहर में चले गए हैं, अब उस शहर में ही रहते हैं। अगर आपको कुछ काम है तो उनसे जाकर मिलाओ। हाँ जाना तो है ही, पर पहले कुछ खा लूँ, भूख लग रही है। अरे यहाँ से लेफ्ट में ही खाने की बहुत अच्छी शॉप है,
मुझे तुम्हें खाना है। पेट भर गया, अब सुनील की बारी। इधर सोना और सुनील दोनों कॉफी शॉप में मिलते। सुनील तुम ठीक हो ना? अभी रिमी को तुम्हारे बारे में नहीं पता है। पर वो जल्दी ही पता कर लेगी, वो बदला लेने जरूर आएगी। इससे पहले कि वो मुझे मार दे, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। I love you सोना। मैं ये कब से कहना चाहता था। अब रिमी मुझे भी मार देगी तो कोई बात नहीं। ये तो सच है कि वो तुम्हें मार देगी और मुझे भी, क्योंकि उसकी ताकतें बढ़ गई हैं। पर हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम उसे कमजोर कर सकते हैं और शायद मार भी सकते हैं। क्या रास्ता है जिसे हम उसे मार सकते हैं? मैं जरूर कोशिश करना चाहूँगा, अपने लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जो उसका शिकार बन रहे होंगे। इन सबसे छुटकारा पाने का एक तरीका है। तुम उसके पति थे, अगर तुम किसी और चुड़ैल से शादी करते हो तो उस चुड़ैल की ताकत रिमी की ताकत से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे खून से अपार शक्तियाँ प्राप्त करेगी। तो अगर मुझे मरना ही है तो सोना, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ही अपार शक्ति देना चाहता हूँ जिससे तुम रिमी जैसी गंदी चुड़ैल की ताकत कम कर सको और उन्हें मार सको। नहीं सुनील, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर हमें सबसे पहले शादी करनी होगी। रिमी कभी भी हमारे पास पहुंचे। चुड़ैल सुनील को पता लगाते लगाते नया शॉप पे पहुंच जाती है। सुनील कहाँ है? मुझे सुनील से मिलना है। फिर वो नया भयानक रूप ले लेती है और फोन से बात करने लगती है। सुनील, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी बीवी। क्या तुम्हें याद नहीं? मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैंने सोना से शादी कर ली है। ये तो बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक साथ ही मिल जाओ। रिमी चुड़ैल भी उन लोगों को ढूंढ लेती है। तीनों को आमने सामने होती है। एक जंगल में भयानक अंधेरी रात होती है, चारों ओर जंगल ही जंगल। तुम दोनों ने मुझे कैद करके छोड़ दिया था ना? अब तुम दोनों मरोगे। तुमने इससे शादी तो कर ली, लेकिन प्यार के चलते तुम इसका खून कभी नहीं पी पाई, जिसका मतलब तुम मेरे सामने अभी भी कमजोर ही हो। रिमी चुड़ैल अपना असली रूप में आकर सुनील पे हमला कर देती। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी सुनील। तभी सुनील के सामने सोना आ जाती है और बचा लेती है। रिमी, ये मेरे पति हैं, इनका बचाव करना मेरा फर्ज बनता है, और तुम हम में से किसी को नहीं मार सकती हो। दोनों आपस में लड़ने लगती है। तभी सोना एक खंजर से उसे वार कर देती है। उस खंजर में सोना और सुनील का खून लगा रहता है। वहीं रिमी गिरकर तड़पने लगती है। ये क्या, मैं ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती हूँ। ये सच्चे प्यार से बना खंजर था, इसलिए तुम मर रही हो, और ये तुम्हारा अंत है। रिमी चुड़ैल के मरते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सोना सुनील दोनों शादी करके कुछ दिन के बाद एक बेटी जन्म देती है। दोनों बहुत खुशहाल रहने लगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।